वेलकम टू बदर्स एजुकेशन हब। जय हिंद, जय भारत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास सर्च इंडेसेस का पार्ट थर्ड, और ये हमारा लास्ट टाइप है। पिछले दो वीडियो में हमने पार्ट वन में टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड डिस्कस किया था, और पार्ट टू के वीडियो में हमने टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ डिस्कस किया था, और ये हमारे पास लास्ट टाइप है, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारे पास टाइप फाइव और मेन टाइप और लास्ट टाइप है, इसके बाद हमारा टाइप हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए, अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी आपको इन नंबरों में से बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आप एक काम आसानी से देख सकते हैं, वो ये कि अगर हम इसका डिटेल करेंगे तो इसका डिटेल बहुत लेंदी पड़ जाता है, इसका डिटेल बहुत लेंदी पड़ जाता है, लेकिन हम लास्ट में हम इसका डिटेल कराएंगे। पहले हम आपको इसका लॉजिक बताते हैं शॉर्ट वे से, एक बार आपको इसका शॉर्ट समझ में आ जाएगा तो आप डिटेल आप आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए इन क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको रूट एट और रूट फाइव, रूट सिक्स और रूट सेवन, रूट टेन और रूट थ्री, रूट इलेवन और रूट टू, रूट नाइन प्लस रूट फोर, ये आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और आपको पूछा है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा गया है। आप देखिए कि इनको शॉर्ट में से कैसे कर सकते हैं। एट और फाइव में हमारे पास गैप कितने का है, तीन का गैप है, हम यहाँ लिख देते हैं। एट और फाइव में हमारे पास गैप कितने का है, तीन का गैप है। सिक्स और सेवन में हमारे पास गैप कितने का है, वन का गैप है। टेन और थ्री में हमारे पास गैप कितने का है, सेवन का गैप है। और 11 और 22 में हमारे पास गैप कितने का है, 9 का गैप है। और 9 और 4 में हमारे पास गैप कितने का है, 5 का गैप है। कितने का गैप है, 5 का गैप है। अब आप देखिए कि दो नंबर बड़े कब होते हैं, जब दो नंबर बड़े तब होते हैं जब उनके बीच में गैप कितने का हो, बहुत कम हो। जब उनके बीच में गैप बहुत कम होगा तो वो नंबर बहुत बड़े होंगे। अब हम आपको इसका बताते हैं कि ये लॉजिक काम कैसे करता है। एट और फाइव कितना होता है मल्टीप्लाई करने पे, 40 होता है। सिक्स और सेवन मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है, 42। टेन और थ्री मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है, 30। इलेवन और टू मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है, 22। नाइन और फोर मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है, 36। अब साइड में हम लिख देते हैं कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। एट और फाइव में गैप कितने का है, थ्री का गैप है। सिक्स और सेवन में एक का गैप है। टेन और थ्री में सेवन का गैप है। इलेवन और टू में नाइन का गैप है। नाइन और फोर में फाइव का गैप है। अब आप देखिए कि जिन दो नंबर के बीच में गैप बहुत कम होता है, एक्चुअल में वही वैल्यू सबसे बड़ी होती है, ठीक। एट और फाइव में गैप कितने का है, तीन का गैप है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 40 आ रहा है। सिक्स और सेवन में गैप कितने का है, एक का गैप है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 42 आ रहा है। 10 और 3 में गैप कितने का है, 7 का गैप है, मल्टीप्लाई करने पे 30। 11 और 2 में गैप कितने का है, 9 का, मल्टीप्लाई करने पे 22। 9 और 4 में गैप कितने का है, 5 का, और मल्टीप्लाई करने पे 36। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा गैप किस में है, सबसे ज़्यादा गैप है हमारे पास 9, ठीक। और सबसे कम गैप कहाँ पे है, सबसे कम गैप है हमारे पास 1। और वो दो नंबर कौन से हैं जिनके बीच में गैप बहुत कम है, वो दो नंबर है हमारे पास 6 और 7, 6 और 7, और इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 42, ठीक। और सबसे ज़्यादा वाला गैप कहाँ पे है, 11 और 9 में, कितने का, 9 का। जब हमने इन दो नंबर का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 22। अब आप देखिए नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 22, और गैप में सबसे कम गैप किसके पास है, 6 और 7 के पास, और सबसे ज़्यादा गैप किसके पास है, 11 और 2 के पास। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से आपको एक बात समझ में आई, वो ये कि जिन दो वैल्यू के बीच में गैप कम होता है, एक्चुअल में वही वैल्यू सबसे बड़ी होती है, और जिन दो नंबर में गैप ज़्यादा होता है वो वैल्यू हमारी छोटी होती है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारे पास, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लार्ज वैल्यू, लार्ज मतलब एल और स्मॉल मतलब एस। लार्ज वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट सिक्स प्लस रूट सेवन, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास,
22, वो किस में है, रूट 11 प्लस रूट 2, यही हमारा आंसर। लार्ज आंसर हम लार्ज वैल्यू कौन सी है, रूट 6 प्लस रूट 7, स्मॉल वैल्यू रूट 11 प्लस रूट 2, और यही हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको उल्टा है, ये क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था जो प्री में पूछा जा सकता है, ये भी प्री में पूछा जा सकता है, लेकिन 2017 के ये क्वेश्चंस आपके मेन में पूछे गए थे, मेंस में। अब देखिए, ये क्वेश्चन 1/1 में है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये क्वेश्चन उल्टा है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे, अब आप देखिए कैसे, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे पहले बड़ी वैल्यू हमें अभी अभी हमने निकाली है, क्या निकाली है, रूट 6 प्लस रूट 7। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी निकाली हमने, रूट 11 प्लस रूट 2। ये वैल्यू बड़ी कब थी, जब ये इसी फॉर्मेट में लिखा गया था, 1/1 में नहीं था, जब ये सिंपल, ये रूट 8 प्लस रूट 5, रूट 6 प्लस रूट 7, जब ये वैल्यू ऐसी थी, तब जो वैल्यू बड़ी वही उसका आंसर, जो वैल्यू छोटी वही उसका आंसर। लेकिन अब ये क्वेश्चन 1/1 में है, यानी ये क्वेश्चन उल्टा है, जब क्वेश्चन उल्टा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो 1/6, रूट 6 प्लस रूट 7 बड़ी वैल्यू थी, लेकिन 1/1 में यही वैल्यू कौन सी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यही वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और रूट 11, 1/1 में रूट 11 प्लस रूट 2, एक्चुअल में ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, लेकिन 1/1 के केस में क्वेश्चन उल्टा है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बहुत इजी, एक बार फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं। 1/1 में रूट 8 प्लस रूट 5, 1/1 में रूट 6 प्लस रूट 7, 1/1 में रूट 10 प्लस रूट 3, और ये आपका चलता रहा। अब आप देखिए, अगर ये 1/1 में नहीं होता तो अभी अभी हमने इसका आंसर निकाला था कि जिनके बीच में गैप कम है वही वैल्यू हमारी बड़ी है, जिनके बीच में गैप ज़्यादा है वही वैल्यू हमारी छोटी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका उल्टा है। अब यहाँ पे क्या चलेगा कि जिनके बीच में गैप कम है एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जिनके बीच में गैप ज़्यादा है वो वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी। तो बस उसी के लिए हमने ये आंसर निकाला है, जिसका आंसर है 1/1 में रूट 6 प्लस रूट 7, ये हमारे पास है छोटी वैल्यू, और रूट 11 प्लस रूट 2, ये हमारे पास है बड़ी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन सेम, गैप देखना है कि जिसमें गैप बहुत ज़्यादा है वो वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी, और जिसमें गैप कम है वो वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी। रूट 31 और 5, 31 और 5, रूट को भूल जाओ, रूट से तो कोई लेना देना नहीं है, बस आप नंबर देखिए, नंबर के बीच में गैप कितना है, 31 और 31 और 5 गैप कितने का है, 26 का। 29 और 7 गैप कितने का है, 22 का। 23 और 13 गैप कितने का है, 10 का। 35 और 1 गैप कितने का है, 34 का। सबसे ज़्यादा गैप इसी में है। और रूट 19 और 19 और 17 में गैप कितने का है, 2 का। तो सबसे कम गैप ये है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जिनके बीच में गैप कम है वो वैल्यू हमारी छोटी होनी चाहिए, सॉरी बड़ी होनी चाहिए, और जिनके बीच में गैप ज़्यादा है वो वैल्यू हमारी छोटी होनी चाहिए। लेकिन ये 1/1 के केस में उल्टा आंसर है, उल्टा क्वेश्चन है, तो आंसर भी क्या होगा, उल्टा। जिनके बीच में गैप ज़्यादा वो वैल्यू होनी चाहिए थी छोटी, लेकिन 1/1 के केस में वही वैल्यू हो जाएगी हमारी बड़ी, यानी लार्ज वैल्यू हम बोलेंगे। और 19 और 17 में गैप कितने का है, 2 का। तो एक्चुअल में ये वैल्यू होनी चाहिए थी बड़ी, लेकिन 1/1 के केस में ये वैल्यू हमारी हो जाएगी छोटी, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल। समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन हमारा चल रहा था माइनस में, सॉरी प्लस में, अब ये क्वेश्चन चलेंगे हमारे माइनस में, कोई नहीं घबराना।
जब प्लस में चल रहा था तो जो वैल्यू हमारी बड़ी थी वो वैल्यू हमारी जिन दो नंबर का मल्टीप्लाई का हमारा बड़ा आ रहा था एक्चुअल में वो वैल्यू हमारी बड़ी थी। अब माइनस के केस में उल्टा हो जाएगा, माइनस के केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी दो नंबरों के बीच में अगर मल्टीप्लाई ज़्यादा आ रहा है तो माइनस के केस में वो वैल्यू हो जाएगी छोटी, और जिन दो नंबर का मल्टीप्लाई छोटा आ रहा है माइनस के केस में वही वैल्यू हो जाएगी बड़ी। अब आप देखिए कैसे गैप सबसे कम किस में है, 7 और 6 में, 8 और 5 में गैप 3, 7 और 6 में गैप 1, 9 और 4 में गैप 5, 11 और 2 में गैप 9, 10 और 3 में गैप 7 का। तो सबसे कम गैप किस में है, 7 और 6 में, सबसे कम गैप किस में है, √7 में और -√6 में। प्लस के केस में ये वैल्यू हमारी बड़ी थी लेकिन माइनस के केस में ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और सबसे कम गैप और सबसे ज़्यादा गैप किसके पास है, √11 और √2 में। सबसे ज़्यादा गैप किसके पास है, √11 और √2 में। तो ये वैल्यू होनी चाहिए थी बड़ी, सॉरी ये वैल्यू होनी चाहिए थी छोटी प्लस के केस में, लेकिन माइनस के केस में उल्टी है, उल्टी है। तो बस यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गैप देखना है सबसे ज़्यादा गैप किसमें। ये क्वेश्चन, ये दो तरीके के क्वेश्चन हैं। हमने सेम वैल्यू के साथ एक बार प्लस में किया है, एक बार माइनस में किया है, और एक बार वन अपॉन में किया है। वर्क किस में किया है, वन अपॉन में किया है, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। 35 और 1 में गैप कितना है हमारा, 34 का। प्लस के केस में सबसे छोटी वैल्यू यही होती लेकिन माइनस के केस में उल्टी हो जाएगी। तो माइनस के केस में उल्टी हो जाएगी तो ये आएगा 35 और √1। सबसे ज़्यादा गैप तो प्लस के केस में सबसे कम वैल्यू यही होनी थी लेकिन लार्ज हो जाएगा ये, कब, माइनस के केस में। तो क्वेश्चन उल्टा है तो आंसर भी उल्टा होगा। √19 और √17 गैप कितने का, 2 का। प्लस के केस में सबसे बड़ी वैल्यू यही होनी चाहिए थी लेकिन माइनस के केस में उल्टा हो जाएगा, यानी √19 और √17 ही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी वाली वैल्यू। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन वन अपॉन में है, क्वेश्चन उल्टा आंसर भी उल्टा। सबसे ज़्यादा गैप किसके पास है, 11 और 2 के पास। तो एक्चुअल में ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे ले देते हैं, 1 अपॉन में √11 और √2, ये वैल्यू हमारी सबसे छोटी होनी चाहिए थी क्योंकि गैप कितने का है, 9 का। 9 का गैप है तो प्लस के केस में सबसे छोटी वैल्यू लेकिन 1 अपॉन में है तो सबसे बड़ी वैल्यू यही हो जाएगी। ठीक, और सबसे कम गैप √1 अपॉन में √7 -√6, गैप सबसे कम इसी के पास है। तो अगर ये क्वेश्चन सिंपल सा होता तो सबसे बड़ी वैल्यू ये होती लेकिन 1 अपॉन में है, यानी क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन उल्टा है तो आंसर भी उल्टा होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू यही हो जाएगी, स्मॉल। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लिए हैं कि अब बस क्वेश्चन देखने की बारी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 47 नंबर क्वेश्चन। अब आप देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या कहता है। 35 और 1 में गैप कितने का है, 34 का। तो सबसे छोटी वैल्यू यही होनी चाहिए थी लेकिन 1 अपॉन के केस में सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी। अब हम सीधे ऑप्शन लिखेंगे, लार्ज। और छोटा लिख देता हूँ थोड़ा सा, डी। और ऑप्शन डी जो है हमारा सबसे लार्ज नंबर है और सबसे छोटा नंबर है वो है ऑप्शन ई। गैप कितने का है, 2 का। अगर ये प्लस का केस होता तो सबसे बड़ी वैल्यू ये होती लेकिन ये 1 अपॉन में है, यानी उल्टा है। उल्टा है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा। ये सबसे छोटी वैल्यू, ये हमने क्वेश्चंस किए थे। अब इसके बाद हम टाइप बी करेंगे, मतलब टाइप 5 में ही टाइप बी। टाइप बी क्या होता है,
की आपको डिफरेंस बराबर दिया जाएगा। तो अब क्या दिया जाएगा, डिफरेंस इक्वल है, वो डिफरेंस आपका कुछ भी हो सकता है, 2 2 का हो सकता है, 3 3 का हो सकता है, आपका डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब आप देखिए इन क्वेश्चन कैसे करते हैं, 13 11 गैप कितने का, 2 का, 5 3 का गैप कितने है, 2, 9 7 में गैप कितना है, 2, 7 5 में गैप कितना है, 2, 11 और 9 में गैप कितना है, 2, यानी गैप आपका सेम है, गैप आपका क्या है, सेम है, डिफरेंस जो है दोनों का बराबर है, डिफरेंस दोनों का बराबर है। जब डिफरेंस दोनों का बराबर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं है, वो कैसे, वो ऐसे आप देखिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जब डिफरेंस हमारा बराबर होता है। बराबर होने पे सबसे पहले आप क्या करिए कि इन दोनों नंबर को आप प्लस करके देखिए, 13 और 11 कितना होता है, 24 होता है, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, 9 और 7 16 होता है, 7 और 5 12 होता है, 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 24, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8। प्लस के केस में तो जो वैल्यू बड़ी वही उसका आंसर, जो वैल्यू छोटी वही उसका आंसर, लेकिन माइनस के केस में उल्टा हो जाता है, यानी जो वैल्यू बड़ी आ रही है एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी है, और जिसका प्लस मतलब जिसका एडिशन छोटा आ रहा है एक्चुअल में वही वैल्यू हमारी बड़ी है। 13 और 11 में 13 और 11 कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो अगर ये प्लस का केस होता तो ये वैल्यू हमारी बड़ी होती, लेकिन ये माइनस का केस है तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो वैल्यू हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और 5 और 3 में गैप कितने का है, सॉरी 5 और 3 प्लस में कितना आता है, 8 आ रहा है, प्लस में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, अगर ये प्लस का केस होता तो ये वैल्यू छोटी थी, लेकिन ये माइनस का केस है, माइनस का केस है तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा लार्ज हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, 13 और 11 को हम प्लस करके देखेंगे कितना आया, 24 आया, 5 8 को हम क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे, 9 7 को प्लस करेंगे, 7 5 को प्लस करेंगे और 11 9 को प्लस करेंगे। ये कब करेंगे, जब हमें दिख जाएगा कि दोनों के बीच में गैप बराबर बराबर है, मतलब 11 और 13 में गैप 2, 5 3 में गैप 2, 9 7 में गैप 2, 7 5 में गैप 2, 11 9 में गैप 2, मतलब गैप अगर बराबर बराबर चल रहा है तब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि दोनों को प्लस करके देखेंगे, दो वैल्यू को प्लस करके देखेंगे, 11 और 13 24 आ रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 11 और 13 ही है, ये बड़ी वैल्यू तब होती जब हमारे पास माइनस के बदले प्लस का साइन होता, तो जो वैल्यू बड़ी वही उसका आंसर, जो वैल्यू छोटी वही उसका आंसर, लेकिन माइनस के केस में उल्टा हो रहा है, माइनस के केस में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो जो वैल्यू बड़ी एक्चुअल में माइनस के केस में वो वैल्यू छोटी, और जो वैल्यू छोटी आ रही है एक्चुअल में माइनस के केस में वही वैल्यू बड़ी, और यही इसका आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका छोटा आंसर और ऑप्शन बी जो है वो बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, 29 26 गैप 3, 31 और 34 गैप 3, 44 एंड 47 गैप 3, 55 एंड 58 गैप 3, 76 और 73 गैप 3, यानी डिफरेंस हमारा सेम है, डिफरेंस सेम है तो हम ये देखेंगे, अब हम इसको प्लस करने तो बैठेंगे नहीं, अब हम इसको प्लस करने तो नहीं बैठेंगे, तो हम अब ये देखेंगे कि जो कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी आ रही है, 76 सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर 76 और 73 ही है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, तो हम ये देखेंगे 76 और 73 को प्लस करने पे बड़ा ही आएगा, दो बड़े वैल्यू को प्लस करने पे बड़ा आता है, दो छोटी वैल्यू को प्लस करने पे छोटा आता है, तो 76 और 73 यही दो सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन
बड़ी तब होती जब ये प्लस का केस होता, ये माइनस का केस है, तो ऑप्शन ई यानी √76 माइनस √73 हमारा हो जाएगा छोटा आंसर, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल, ऐसा हम लिख देता हूँ। और ऑप्शन, अब हम देखेंगे कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू वो है जिसको प्लस करने पे छोटी आएगी, तो 29 और 26, 29 और 26 यानी √29 माइनस √26, ये वैल्यू हमारी छोटी होती है, लेकिन माइनस के केस में यही वैल्यू हमारी क्या है, लार्ज, जिसको हम लिखेंगे लार्ज। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। जो वैल्यू बड़ी, मतलब देखने से पता चलता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपका लगेगा। 76 73 यानी दोनों को प्लस करने पे ऑब्वियसली सी बात है बड़ी वैल्यू आएगी, 29 26 छोटी वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस के केस में उल्टा हो जाएगा। जो वैल्यू बड़ी आ रही है एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी है, और जो वैल्यू छोटी है एक्चुअल में माइनस के केस में वही वैल्यू बड़ी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई और ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही वन अपॉन में है, यानी अब ये क्वेश्चन वन अपॉन में है यानी उल्टा है, ये क्या है, उल्टा है। तो अब आप देखिए माइनस के केस में क्या था कि दोनों को प्लस करने पे बड़ी आ रही है, अगर वैल्यू बड़ी आ रही है तो एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी थी, और प्लस करने पे छोटी आ रही है तो एक्चुअल में वो वैल्यू बड़ी थी, लेकिन वन अपॉन केस में क्या होता है, उल्टा होगा। जो वैल्यू बड़ी आ रही है वो बड़ी हो जाएगी, और जो वैल्यू छोटी आ रही है वही हमारी छोटी हो जाएगी, वन अपॉन के केस में उल्टा हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। √13 और √11, वन को भूल जाइए, वन को नहीं देखना, वन को भूल जाइए। √13 और √11 कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। और √5 और √3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 24 और 8, माइनस के केस में 24 है और माइनस के केस में 8 है, तो 24 कब आता, 24 जब आता जब यहाँ प्लस का केस होता, तो 24 बड़ी है तो 24 ही बड़ा आता, लेकिन माइनस के केस में उल्टा हो जाता, यानी जो वैल्यू बड़ी आ रही है एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी है, और जो वैल्यू छोटी आ रही है एक्चुअल में वो ही वैल्यू बड़ी है, और वन अपॉन में क्वेश्चन उल्टा तो आंसर भी उल्टा, तो जो वैल्यू बड़ी वही उसका आंसर, जो वैल्यू छोटी वही उसका आंसर, यानी बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, √13 और √11, छोटी वैल्यू हो जाएगी √5 और √3, यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़े कर देते हैं। अब देखिए, अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस है बहुत इजी, लेकिन जितना इजी क्वेश्चन है उससे कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार क्या है, पूछा जा चुका है। अब आप देखिए, हमें इसके पावर को ब्रेक करना है, पावर को क्या करना है, ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है, HCF, मतलब जो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो है जो इन सब में कॉमन आ रहा है वो हमें कॉमन करना है। अब आप देखिए कैसे, 2 की पावर 50 है, तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 × 10, ये हो गया 2 की बात। 3 के लिए हम लिख सकते हैं, 3 के लिए 4 × 10, 4 के लिए 30 लिखा है तो 4 के लिए 3 × 10, और 5 के लिए 20 लिखा है तो 5 के लिए 4 20 लिखा है ना,
तो 2 × 10 2 × 10 ये लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसके पावर को ब्रेक किया है, 50 को ब्रेक किया 5 × 10 में, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए जो सब में कॉमन आ रहा हो। 50 को ब्रेक किया 5 × 10 में, 40 को ब्रेक किया 4 × 10 में, 30 को ब्रेक किया 3 × 10 में, और 20 को ब्रेक किया हमने 2 × 10 में। किसमें किया? 2 × 10 में। अब इन 10 10 वालों को भूल जाइए, 10 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 10 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 10 सब में कॉमन है, तो 10 से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इसके छोटे वाले पावर से मतलब है, यानी 5 से, यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, और यहाँ 2 से। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम अब इसको साफ कर रहे हैं और एक नई तरीके से लिख रहे हैं। कैसे? जो चीज़ कॉमन थी उसको मैं एक बार नहीं लिख रहा हूँ, यानी जो चीज़ कॉमन है उसको हम एक बार नहीं लिख रहे हैं। 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 5 की पावर क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 10 तो सब में कॉमन है तो कोई मतलब नहीं है उसका। 2 × 5 मतलब 2 को 5 बार करेंगे तो आता है 32। 3 को मतलब 3 को 4 बार करेंगे तो आता है हमारा 81। 4 को 3 बार करेंगे, कितनी बार करेंगे? 4 को 3 बार तो आएगा हमारा 64, क्योंकि 4 × 4 कितना होता है? 16। 16 × 4 कितना होता है? 64। और 5 को 2 बार करेंगे यानी 5 × 5 कितना होता है हमारा? 25। अब आप देखिए इन सब में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है? 81 बड़ा है, छोटा कौन है? 25। 25 किसकी वैल्यू थी और 81 किसकी वैल्यू थी? 81 वैल्यू थी 3 की पावर 4। अब यहाँ पे जो 10 हमने लिखा था वो अब हम लिख देंगे, सबके ऊपर 10 लिख देंगे, क्योंकि 10 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो 10 हमने लिख दिया। और यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। 2 की पावर 5 की पावर 10, 3 की पावर 4 की पावर 10, 4 की पावर 3 की पावर 10, 5 की पावर 2 की पावर 10 ये लिख देंगे। अब इन वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 81 बड़ी है। 81 किसकी वैल्यू थी? 3 की पावर 4 की पावर 10, यानी ऑप्शन बी। और छोटी वैल्यू कौन सी थी? 5 की पावर 2 की पावर 10, यानी ऑप्शन डी। यही हमारा आंसर, 3 की पावर 4 की पावर 10 सबसे बड़ी हो जाएगी, जिसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, और 5 की पावर 20 हमारी छोटी हो जाएगी, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। यही हमारा आंसर। एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमें इसके पावर के साथ खेलना है, कुछ नहीं करना, हमें इसके बस पावर के साथ खेलते रहना है। 50 को ब्रेक किया 5 × 10 में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी जो कॉमन आ रहा है उसको निकालो, जो कॉमन आ रहा है उसको निकालो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ कॉमन आ रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम यहाँ 10 ना लिखते तब भी हमारा आंसर वही आता, क्योंकि जो कॉमन है उसको निकालो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 50 को कैसे ले सकते हैं? 5 × 10, 2 की पावर 5 × 10। 40 को कैसे ले सकते हैं? 3 की पावर 4 × 10, 4 की पावर 30 को कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 × 10। और 5 की पावर 20 कैसे लिखते हैं? 5 की पावर 2 की पावर 10 ऐसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, और 5 की पावर 2 25। अब इन सभी नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है? 81 बड़ा है। 81 किसकी वैल्यू थी? 81 वैल्यू थी हमारे पास 3 की पावर 4 की पावर 10, यानी ऑप्शन बी, 3 की पावर 40। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हमारे पास? 25। ये किसकी थी? 5 की पावर 20, जिसको हमने लिखा था 5 की पावर 2 की पावर 10। हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी सबसे बड़ा, ऑप्शन डी सबसे छोटा। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब देखिए कि बस 56 वाले क्वेश्चन में इसी तरीके के बनते हैं, और कुछ नहीं, और कोई दूसरा पैटर्न नहीं बनता। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपको 4 के क्यूब रूट दिया है, 4 की पावर 4, 4th रूट 7 दिया है, 6th रूट 17 दिया है, और √3 दिया है। क्या दिया है? √3 दिया है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पिछले वाले क्वेश्चन को किया है। कैसे किया है? अब आप देखिए, √3, 4th रूट 7, 6th रूट 17 और √3। अब आप देखिए कि जो बाहर वाला जो नंबर है, यानी 3, 4, 6, और हमने फर्स्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि रूट की वैल्यू हमेशा 2 होती है, रूट की वैल्यू 2 होती है। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम उसको 2 मानेंगे, मतलब 2 मानेंगे। अब आप देखिए कि इन क्वेश्चंस को अब हम कैसे करते हैं। तो जो बाहर वाली वैल्यू है, बाहर वाली वैल्यू है हमारे पास, बाहर वाली वैल्यू है हमारे पास 3, 4, 6, और जहां पे कुछ नहीं है वहां हम मानेंगे 2, जहां पे कुछ नहीं है वहां हम मानेंगे 2। अब आप देखिए कि इन क्वेश्चंस को अब हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 3, 4, 6 और 2 का हमें एलसीएम लेना है, यानी ऐसा नंबर जो 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, 6 से कट जाए और 2 से भी कट जाए। ऐसा नंबर है हमारे पास 12। ऐसा नंबर कौन सा है हमारे पास? ऐसा नंबर है हमारे पास 12। अब आप देखिए, 3 को 12 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 4 की पावर 4। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कि बाद में जो हम इसको मिटा देंगे। क्या लिखेंगे? 4 की पावर 4। सेम उसी तरीके से 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 7 की पावर 3। 6, 12 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 17 की पावर 2। एक लास्ट हमारे पास है 3, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा उसको हम मानेंगे 2। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब हम 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार करेंगे? 4 को 4 बार। जब हम 4 को 4 बार करेंगे तो 16 × 16 लिख सकते हैं। तो 4 × 4 कितना आया हमारे पास? 256। 7 × 3, यानी 7 × 7 = 49, और 49 अगर 49 × 7 करते हैं तो कितना आया? 343। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 343। 17 की पावर, यानी 17 का स्क्वायर, 17 × 17, ये होता है हमारे पास 289। कितना होता है? 289। और 3 की पावर 6, यानी हम इसको अगर दो दो के पेयर में करें तो 3 × 3 = 9, फिर 9 और फिर 9, कितना आ गया? 729। कितना आएगा ये? 729। तो 3 की पावर 6 कितना होता है? 729। अब आप देखिए, यहाँ पे 289 है, ये 289 है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब आप देखिए, 256 है, 344 है, 289 है और 729 है। इन सभी वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 729 बड़ी है, 729 बड़ी है,
और 729 किसकी वैल्यू है? 729 बड़ी है वैल्यू है हमारे पास डी की, यानी रूट थ्री की वैल्यू 729 है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 256। 256 किसकी वैल्यू है? क्यूब रूट फोर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? क्यूब रूट फोर की वैल्यू है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ जाएगी हमारे पास? रूट थ्री। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ जाएगी? क्यूब रूट फोर। यही हमारा आंसर। यहाँ हमने लिख दिया एस और ऑप्शन डी के पास हमने लिख दिया एल। एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए कैसे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूब रूट फोर, फोर्थ रूट सेवन, सिक्स्थ रूट 17 और रूट थ्री। जहाँ पे कुछ नहीं होता उस रूट की वैल्यू हमेशा टू होती है। ये बात हमने आपको बताई थी पार्ट वन में, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने बताया था कि अगर कुछ नहीं लिखा तो रूट की वैल्यू दो मानेंगे बस। अब जो बाहर नंबर लिखे हैं, बाहर कौन कौन से नंबर लिखे हैं? बाहर नंबर लिखे हमारे पास थ्री, फोर, सिक्स और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ होता है टू। तो थ्री, फोर, सिक्स, टू। अब इन चारों नंबर का हमें एलसीएम लेना है, यानी एक ऐसा नंबर लेना है जो सबसे कट जाए, जो सबसे कट जाए। थ्री से कटेगा फोर, सॉरी थ्री से 12 कितने टाइम्स जाता है? फोर टाइम्स जाता है। तो फोर की पावर फोर लिख दी। फोर के टेबल में 12 कब आता है? तीन बार में आता है, थ्री टाइम्स में आता है। तो सेवन की पावर थ्री लिख दी। सिक्स के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? टू टाइम्स में आता है। तो 17 की पावर दो लिख दी। और टू के पावर में, टू के टेबल में सिक्स, टू के पावर में 12 कितनी टाइम्स में आता है? छः बार में आता है। तो थ्री की पावर हमने सिक्स लिख दी। फोर की पावर फोर होता है हमारे पास 256। सेवन की पावर थ्री होता है हमारे पास 343। 17 की पावर टू होता है हमारे पास 289। और थ्री की पावर सिक्स होता है हमारे पास 729। अब इन नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 729 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? 256। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा हमारे पास? ऑप्शन ए। सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन ए। क्योंकि ऑप्शन ए की वैल्यू कितनी है? 256। और ऑप्शन डी की वैल्यू है 729। और यही हमारा आंसर। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। सर्ट्स एंड इंडिसेस में बस इतना ही। अब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। तो आज के लिए इतना ही। हमने इसके तीन पार्ट में हमने इसके हमने इसका तीन पार्ट बनाया है। और हर एक पार्ट में हमने दो दो चैप्टर, दो दो टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया है टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड को। पार्ट टू में हमने डिस्कस किया है टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ को। और ये हमारा पार्ट थर्ड था। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है टाइप फाइव को। और नेक्स्ट टॉपिक आज कल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को जो है वो देखते रहिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।